500 बेटियों का एक वही सहारा था, जिसके जाने से 500 बेटियों को समझो कि एक बहुत बड़ा दुख टूट पड़ा उनके ऊपर। अच्छा, तो इतना खतरनाक है गांव के लिए, तो मानो आज गाँव में लो चूल्हा कुंजड़ा गाँव में लो। और गुजर पिताजी हैं, ये भी छोटी मोटी काम कर लिया करते, अब ये भी काम करने में असमर्थ है। भिवानी जिले के मुंडाल गांव में, और मुंडाल गांव में आज एक साथ चार चार अर्थियां उठी है, और चार अर्थियों में से मतलब जो मृतक है, मृतकों में से तीन आदमी है और एक महिला थी। आपने जो देखा होगा कि आज जींद में जो एक भयानक हादसा हुआ था क्रूजर और बस की टकराव से, जिसमें 8-9 आदमी कम से कम मरने की सूचना मिली है, तो उसमें से चार लोग मुंडाल के थे, और एक साथ चार अर्थियों का उठना गांव में मतलब बहुत दर्दनाक हादसा है। पूरे गांव में इस बात का मातम छाया हुआ है कि एक साथ चार अर्थियाँ मुंडाल गाँव से आज उठी है। तो जो मनोज है, मनोज के 5 लड़की लड़कियाँ है, तो उनके परिवार वाले हमारे साथ है, तो उनसे बात करेंगे। क्या काम करता था मनोज? प्राइवेट काम करता था, और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको हम किन शब्दों में बयान करें, हमारे पास वो शब्द नहीं है। इस परिवार पर बहुत पीड़ा हुई थी है, उनके पिताजी जो गुजर अवस्था में हैं, ये खड़े हैं हमारे सामने, ये भी शुगर से परेशान हैं, बीमार हैं, और 500 बेटियों का एक वही सहारा था, जिसके जाने से 500 बेटियों को समझो कि एक बहुत बड़ा दुख टूट पड़ा उनके ऊपर। और ऐसे में यदि सरकार इनकी कोई मदद करे, तो हम सरकार के बड़े आभारी रहेंगे, क्योंकि इनके पास आय का इसके सिवाय कोई साधन नहीं है। और गुजर पिताजी हैं, ये भी छोटी मोटी काम कर लिया करते, अब ये भी काम करने में असमर्थ है। माताजी है, वो भी बूढ़ी है, और उनकी वाइफ वो भी छोटा मोटा घरेलू कार्य करती है, इनकम का कोई साधन नहीं है। हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि इस परिवार की जितनी ज़्यादा मदद कर सके करे। सर, लड़कियाँ कितनी उम्र की हैं? लड़कियाँ बहुत ही छोटी हैं, नाबालिग हैं, अभी तक छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अभी बच्ची पढ़ रही है, काम करने में अभी छोटी 1.5 साल की है, सबसे छोटी 1.5 साल की है। 1.5 साल की जी। इनकी उम्र कितनी थी मनोज जी की? 46 साल की उम्र है। आज जन्मदिन था। अच्छा, आज जन्मदिन था उनका जी। तो आप सर परिवार में तो होता हो? हाँ, परिवार में ही हम सारे परिवार में। क्या नाम था आपका? दिलावर। तो काम क्या करता था मनोज? प्राइवेट काम करे अरदा जी, फाइनेंस मिनिस्टर का। अच्छा। दवाइयां ही कंपनी में आया करता जी, रोजाना कई साल से जाओ था, 5-6 साल से। अच्छा, रोज इसी गाड़ी में जाया करता? ना ना, वो दवाई भी बाइक ले गया था, मौसम खराब हो गया, बाइक ना टप छोड़ गया। हाँ, नहीं तो बाइक से जावर हो, वो तो बहुत कम बैठे था कलूजर में, तो या तो बस में या फिर बाइक में भी। 46 साल का हो गया? 46 साल। सूचना तो मिल गई थी, 10:30 बजे सूचना तो मिली 10 बजे। अच्छा। फिर हम बताना नहीं चाहूँगा, टाइम निकाला। सतवीर बेटा, तो मतलब इतना बड़ा हादसा है कि बोलने की स्थिति में नहीं है। बोलने की स्थिति में? हाँ, बोलो। तो ये बोला तो मतलब सुबह आते जाते थे रोज? आया जाया करते जी, बाइक पर आया जाया करते डेली। देख तो मतलब एक साथ मुंडाल में तो मतलब चार चार अर्थियां गेले उठी है, वो तो बड़ा दर्दनाक है। पूरा गांव में कमी है कौन सी? साइड में आ जाओ थोड़े। सारे जवान मौत हैं जी, इसमें किसी मतलब हादसा तो इतना खतरनाक है गाँव के लिए, तो मानो आज गाँव में लो चूल्हा कुंजड़ा गाँव में। हाँ, ड्राइवर भी यहीं का था, गाड़ी भी यहीं गाँव की थी, गाँव का ड्राइवर था। और देखो जी, ओणी बलवान होने को कौन मिटा सकता है। मैं रोज जाया करता जी। आज भी बाइक लेके गया जी, सुबह बूंदाबांदी आ रही थी, बाइक बस स्टैंड पर छोड़ के गया है, और उसके बाद क्लोजर में बैठ के गया है, तो रास्ते में ये अच्छा हो गया, बहुत दर्दनाक अच्छा है। 5 बेटी बेटी हैं, पिताजी हैं वृद्धावस्था में हैं, उनका कोई सहारा है नहीं। हाँ, गरीब परिवार है जी, परिवार तो आप देख लो जी, हालत के 5-5 बेटी घर में जी जिसके। हाँ जी, तो देखो वैसे भी गांव के हिसाब से अच्छी नेचर का था। अच्छा। स्वभाव बहुत अच्छा था, सार्वजनिक कामों में बहुत रुचि रखा करता,
हर आदमी की मदद में अग्रसर रहा करता। वो सोचा करता कि हर आदमी की मैं मदद कर पाऊँ, स्कूल में ग्राउंड का जो भी काम होता था सार्वजनिक काम उसमें हिस्सा लिया करता था और हर आदमी का चाहने वाला था। ये परमात्मा ने पता नहीं क्यों हमारे से छीन लिया हमारा भाई, इसका सबको दुख है, बहुत दुख है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है जी। भाई हो आपने? जी मैं कजन हूँ उनका, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ इस टाइम पे। तो देखिए मैंने आज एक गरीब परिवार से है, पांच बेटियां है और बूढ़े पिता है घर में, माँ बाप है जो बूढ़े हैं, और एक गरीब परिवार से था, अपने बच्चों का गुजारा कर रहा था, अपने माँ बाप का गुजारा कर रहा था, लेकिन मतलब रोज बाइक पर जाया करता, लेकिन आज क्रूजर तक गया था, जो ड्राइवर था क्रूजर का तो वो भी मुंडाल गाँव से ही था। तो मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि मतलब पूरा गाँव सदमे में है, भी पूरे गाँव में चूल्हा नहीं जलाएगा, ऐसा काम हो रहा है, और एक साथ चार चार अर्थिया का उठना बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो गरीब परिवार था मनोज, तो हम भी नहीं कहेंगे अगर किसी पे मदद बनाए गांव वाले तय बाहर तय तो ज़रूर करो मदद, ये उनका घर है, ये उनके परिवार वाले हैं, क्योंकि पांच बेटियां बेटियां अपनी पांच बेटियां का गुजारा कर रहा था, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, कह आकर इतनी बड़ी दुर्घटना आज हुई है, तो ज़रूर मदद करें।